के सामने एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पाइपलाइन सिस्टम का हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और अच्छे सवाल होंगे और उसमें हम 15 सवाल करीब कर चुके हैं। 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पे, आइए करते हैं। दिया हुआ है 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। इन तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं, केवल सी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। 3 पाइप ए बी और सी कई घंटे में भर देते हैं, 6 घंटे, तो 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। जो ये एलसीएम लिया है यही क्या है, टोटल वर्क, टोटल धारता है टंकी की, ठीक। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्षमता है, टोटल क्षमता कितनी है, मतलब टोटल कार्य कितना है, 6। या धारता कह सकते हैं, इसे कैपेसिटी बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं। और इसकी जो है एक घंटे की क्षमता कितनी निकल के आई तीनों की, जो एफिशिएंसी जिसे क्षमता। इसने कहा है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो 1 घंटे में तीनों कितना काम करते हैं भाई, 1। तो 2 घंटे बाद जब सी को बंद कर दिया जाता है तो 2 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1 गुणा 2 भाई। 1 घंटे में एक काम तो 2 घंटे में कितना काम, 2 काम, काम कितना है, 6। 6 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचा, 4। अब इस 4 कार्य को जब सी को निकाल दिया जाता है तो कौन करते हैं, ए और बी, और ए और बी इस कार्य को करने में 7 घंटे लेते, कितने घंटे, 7। अगर कार्य में जो भी टंकी की क्षमता है, जो शेष कार्य है, जैसे कि लीटर में मान लो या यूनिट जो भी है, तो 4 अगर कार्य शेष है और उसे ए और बी 7 घंटे में करते हैं, अगर शेष कार्य में समय का भाग दे दिया जाए या कार्य में समय का भाग दे दिया जाए तो क्या निकल आती है, क्षमता। तो ए प्लस बी के लिए जो शेष कार्य है वो कितना है, 4, और ये कितने घंटे में कर देते हैं, 7। जैसे ही 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगी, ये ए और बी की क्षमता निकल के आएगी। लेकिन उसने पूछा है सी अकेला उस कार्य को करने में, तीनों की क्षमता कितनी है, 1, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 4/7। अगर 1 में से 4/7 घटाएंगे तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि भाई अगर 1 में से कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हो उसे घटाना हो तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा दें, जैसे ही घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3/7। तो जो सी की क्षमता निकल के आई वो कितनी है, 3/7। एबीसी में से ए बी माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, सी ही तो निकल के आएगा, तो सी की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3/7। टोटल वर्क कितना है, 6। 6 को कितने समय में करेगा ये, 3/7 का भाग दे देंगे तो कितनी बार, 2, ऊपर पहुंचेगा ये 7 तो कितना हो जाएगा, 14। तो सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, आधी टंकी भर जाने पर 3 ऐसे नल और खोल दिए जाते हैं, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक नल ए मान और टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, टंकी को भर सकता है 6 घंटे, तो 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 1, तो 1 घंटे में कितना काम करता है भाई, 1 घंटे में, तो 6 घंटे में 6 काम किया। लेकिन उसने कहा है कि आधी टंकी भर जाने के बाद, आधी टंकी भर जाने, आधी टंकी कितनी है, 3, तो 1 घंटे में 1 काम करेगा तो 3 काम कितने घंटे में, 3 घंटे भाई, जो आधा कार्य है वो उसे कितना समय लगेगा, 3 घंटे, ठीक। फिर उसने कहा कि ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं, ऐसे ही, मतलब जो ए था ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं, उन्हें नाम दे देते हैं A1, A2 और A3। भाई जब पहले नल की क्षमता 1 है और ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं,
तो सभी की क्षमता क्या रही होगी? समान। सभी की क्षमता क्या रही होगी? समान। तो इनकी भाई क्षमता कितनी कितनी रही? अब कार्य कितना बचा? भाई तीन, आधी टंकी तो उसने पहले नहीं भर दी, तो बच्चा कितना? आधा। आधा कार्य कितना बच्चा? और तीन कार्य को ये कितने की एफिशिएंसी से करेंगे आप? भाई तीन कार्य को कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? चार। तो तीन बटे चार घंटे, तीन बटे चार घंटे, तीन बटे चार घंटे की अगर मिनट बनाएंगे तो गुणा कितने का कर लें? सात। चार से ये कितनी बार? पंद्रह। पंद्रह गुणा तीन 45। तो इस टंकी को भरने में समय लगेगा कितना? 3 घंटे 45 मिनट। तीन घंटे 45 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक टंकी को भरने में दो पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट व 40 मिनट लेते हैं। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधा समय में केवल बी का प्रयोग किया जाता तथा शेष आधे समय में ए तथा बी दोनों कार्य। उसने कहा है कि भाई ए और बी दो पाइप है, ए और 60 मिनट और 40 मिनट इसी टंकी को भर दे, तो 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो उस टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है? 120। 60 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 40 से डिवाइड करेंगे? अरे हाँ यार, अब एक की जो क्षमता है वो कितनी है? एक की क्षमता कितनी है? तो और बी की क्षमता कितनी है? उसने कहा है कि बी आधा समय कार्य करे। कितना समय? आधा समय। और आधे समय में कौन काम करे? ए प्लस बी। तो कार्य कितने समय में? अब हमें देखना है कि भाई यहां पे एक की क्षमता कितनी है, सॉरी ए की क्षमता कितनी है? दो। और बी की क्षमता कितनी है? तीन। लेकिन बी जब आधे समय काम करेगा तो बी एक मिनट में कितना काम करता है? भाई ई बी जो है एक मिनट में तीन काम करता है, तो आधे मिनट में कितना काम करेगा? आधे मिनट में कितना काम करेगा? डेढ़। या कह सकते हैं कि बी अगर एक समय में तीन काम करता है तो आधे समय में यहां से कितना काम करेगा? भाई डेढ़ यूनिट, या डेढ़ की क्षमता से काम करेगा। ठीक। ए और बी एक मिनट में कितना काम करते हैं? पांच। तो आधा मिनट में कितना काम करेंगे? भाई ढाई करेंगे। आधा मिनट में कितना? ढाई का। तो इनका काम टोटल कितना हुआ? इन्हें ऐड कर दें। जैसे इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? चार। तो अगर बी आधे समय और आधे समय ए और बी दोनों काम करें तो वो कितना काम करेंगे एक मिनट में? एक मिनट में चार। कितना काम? चार का। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 120। तो 120 को चार से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही चार से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दो गुना है। यह पाइप भी इस टंकी के साथ जुड़ा है। दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय है? एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 8, और जबकि आर एस अग्रवाल ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 13 सही 1/3। चलो, किसने कहा है व्यास क्या होता है? भाई व्यास होता है त्रिज्या का 2। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2। जैसे मैंने मान के चले कि इसका अगर व्यास भाई 2 है, त्रिज्या कितनी? त्रिज्या कितनी हो जी? और उसने कहा है उससे 2 गुने व्यास। जैसे कि ऐसे करके कोई व्यास वाला पाइप खोल दिया जाता है, जो पहले जो व्यास था, जैसे इसका मान लेते हैं 2, तो ये 2 गुने व्यास वाला, तो इसका कितना हो जाएगा? 4। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो अब हम ये देखेंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालने पहले वाले का, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है? 1। जब आर 1 दिया हुआ है और दूसरे का कितना है? पाई आर,
इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमने देखा कि भाई पाई तो दोनों में ही कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो एक, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक, और इसका जो त्रिज्या दी हुई है व्यास दो गुना कर दिया है, भाई व्यास क्या कर दिया है दो, पहले का अगर व्यास दो था तो इसका कितना हो जाएगा चार, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दो, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना चार। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पाइप का व्यास दो गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा चार, कितना हो जाएगा चार। अगर पहला पाइप टंकी को भरने में 40 मिनट समय लेता है, 40, तो दूसरा पाइप टंकी को खाली करने में, अगर पहला पाइप टंकी को खाली करने में 40 मिनट का समय लेता है तो दूसरा पाइप उसका कितना लेगा भाई, क्षेत्रफल अगर चार गुना है तो समय कितना लेगा चौथाई लेगा, तो कितना लेगा एक बटे चार, 40 का एक बटे चार कितना हो जाएगा 10। तो पहला पाइप जो टंकी को खाली करने में समय लेता है 40 मिनट, दूसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है 10। तो उसने कहा है कि अगर दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 40 ही हो जाएगा। तो 40 से 40 कितनी बार, 10 से 40 कितनी बार, दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। टोटल वर्क कितना है भाई, टंकी की धारिता टोटल कितनी है 40, तो 40 बटे 5 की क्षमता से काम करेंगे तो कितने मिनट में 8 मिनट। तो दोनों पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे 8। तो जो सवाल मैंने अभी समझाया था तो आर एस अग्रवाल में उसे देख सकते हैं अच्छी तरह से, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 मिनट आएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक हॉल में 1 सेंटीमीटर, एक सही एक बटे 3 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल लगे हुए हैं, इनमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इसके व्यास के वर्ग का है। सबसे बड़ा नल हौज को 61 मिनट में भर सकता है, तो तीनों नल हौज को कितनी देर में भर देंगे। तो इसने कहा है कि जो हौज है 1 सेंटीमीटर, एक सही एक बटे 3 सॉल्व करेंगे तो 4/3 और 2 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि 3 नल लगे हुए, इनमें पानी, इनमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इनके व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर। ये डायगोनल दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो वह इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 3 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना बचा 4, और इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो पानी के जो आने का अनुपात है वो यह अनुपात है इनकी क्षमताओं का जो इनके वर्गों के व्यास का है, तो इनका वर्ग कर देंगे भाई, जैसे इनका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा। अब इसने कहा है कि सबसे बड़ा नल हौज को 61 मिनट में भरता है, सबसे बड़ा नल कौन सा होगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी भाई, सबसे बड़ा नल कौन सा होगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है भाई, तीसरे नल की कितनी है 36। अगर किसी क्वेश्चन में अगर क्षमता और समय दिया हुआ हो तो अगर क्षमता और समय का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो अगर इस तीसरे पाइप के पास क्षमता कितनी है 36 और इसका समय कितना दिया हुआ 61, अगर मैं 36 में 61 का गुणा कर दूं, 36 गुणा 61, तो क्या निकल के आएगा टोटल। लेकिन उसने कहा है कि यह तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों डलों की क्षमता कितनी है, इन्हें जैसे इन्हें ऐड करेंगे 9 और 16 25, 25 और 36 कितना होता है 61, 61 से 61 कट जाएगा तो कितना समय लगेगा 36। तीनों पाइप इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन बारी बारी वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम डायमंड वर्क में भी पढ़ चुके हैं।
और दिया हुआ है दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? दो पाइप 20 मिनट और 25 मिनट में, 20 मिनट और 25। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 20 और 25। ऐसी कोई संख्या जो 20 और 25 दोनों से डिवाइड हो तो कितना हो जाएगा? 100। टोटल वर्क जो टोटल क्षमता है टंकी की कितनी है? 100। 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5। 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर दोनों पाए बारी बारी से खोले तो ये कितना काम करेगा भाई? एक मिनट में कितना, और ये एक मिनट में कितना काम करेगा? चार। तो पहले मिनट में अगर पहला पाइप 5 काम करता है तो अगली मिनट में दूसरा पाइप कितना काम करेगा? चार। फिर तीसरे मिनट में पहला पाइप 5, फिर उससे अगली मिनट में दूसरा पाइप 4। तो यही तो बारी बारी से काम होगा। तो हमें यहां से पता चला कि भाई 2 मिनट, कितना मिनट, तो 2 मिनट में कितना काम हुआ? 2 मिनट में कितना काम हुआ? तो अब हमें यह देखना होगा कि भाई 100 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह विभाजित है? 9 से क्या है? पूरी तरह विभाजित। तो हम ये देखेंगे कि भाई 100 के नजदीक 99 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह 9 से विभाजित है, तो कार्य कितना बच जाएगा? तो 9 से 99 कितनी बार डिवाइड होगा भाई? कितना गुना है? 11। तो समय भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 11। 11 दूनी 22। लेकिन हमारे पास अभी कार्य कितना बचा हुआ है भाई? क्योंकि हमने कार्य कितना करवाया है? 99। तो कार्य एक बचा हुआ, तो एक कार्य को करने पहले कौन आएगा भाई? पहला पाइप आएगा। जब ये बारी बारी से कार्य करेंगे तो जो एक कार्य बचा हुआ है एक यूनिट, उसे करने कौन आएगा भाई? ए पाइप आएगा। तो ए पाइप की क्षमता कितनी है? 5। तो 1/5, तो आंसर होगा इसका 22 सही 1/5 मिनट में वो इस कार्य को पूरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ही भर रहे थे हौज, अब इसमें एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो 10 मिनट में क्या करता है पहला पाइप या पहला नल? उस हौज को भर सकता है। दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकता। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 12 से डिवाइड करेंगे, अरे हाँ ये ना। तो अब हमने ये देखा कि भाई पहले पाइप की जो क्षमता है एक मिनट में वो कितने कार्य करने की है? 6। और दूसरे की कितना? दूसरे की 5 खाली करने के लिए अगले मिनट। जब पहले ने 6 मिनट भरा तो दूसरे ने 5 सॉरी पहले ने 1 मिनट में 6 यूनिट कार्य किया या 6 लीटर टंकी को भरा तो दूसरे ने अगले मिनट में 1 मिनट में कितना खाली किया? 5। तो मिनट कितनी होगी? तो और 2 मिनट में कितना भर पाया? पर एक ही तो भर पाया। जब उसने पहले 6 भरा था और दूसरे ने 5 खाली कर दिया तो बचा कितना? तो मिनट कितनी हो गई? 2। और 2 मिनट में कितना कार्य हुआ? केवल 1 यूनिट। लेकिन हमें कितना कराना है? 60। ये नहीं करना है अब कि भाई 1 से 60 कितना गुना है? 60 गुना 60 का गुना 2 में कर लेंगे 120 आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। जब पाइप खाली करने वाले और भरने वाले हों तो जो पाइप पहले काम करता है वो देखना है। तो ये पहले 1 मिनट में कितना काम करेगा? 6। कितना? 6। तो टोटल में से हम इस कार्य को निकाल दें,
और इस कार्य को तो हम लास्ट में एक मिनट में करा ही लेंगे, जैसे कि आपने बंदर वाले सवाल पढ़े हैं, तो उसी टाइप से ये सवाल। तो कितना बचा कार्य, कार्य बचा इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कार्य बचा अच्छा, लेकिन यहां तो दो मिनट में कितना कार्य किया इसने, तो 54 कार्य कितने में, भाई 2 मिनट में कितना कार्य, लेकिन यहां 54 कराना है तो 1 का 54 कितना होना है 54, 2 का 54 कितना हो जाएगा 54 × 108, तो 108 मिनट में कितना काम कर पाएगा भाई 54 काम, लेकिन काम कितना कराना है 60 काम है टोटल। तो हमें पता है कि जब ये बारी बारी से काम करेंगे तो पहले कौन काम करने आएगा, अगर उसने नहीं बोला है तो पहले काम करने कौन आएगा, ये भरने वाला पाइप। और हमें पता है कि 1 मिनट में ये कितना काम करता है 6, तो लास्ट की 1 मिनट में कितना काम कर देगा भाई 6, तो इसमें 1 और ऐड कर लेंगे 1 मिनट, और इसने कार्य कितना किया 6, तो भाई कितना हो गया यहां से निकालेंगे तो 109 मिनट, और 109 मिनट में कितना कार्य हुआ 7 कार्य, तो यही तो कराना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, दिया हुआ है। नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग 10 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यदि नल ए बी सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगे। तो 3 नल है ए बी सी, ए बी और सी, तो ए कितने समय में भरता है 10 घंटे, बी कितने समय में 20 घंटे, और सी कितने समय में खाली कर देता है 12। तो भाई इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। टंकी की जो धारता है या टोटल क्षमता है वो कितनी 60, 10 से डिवाइड करेंगे 6, 20 से डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 2 जो नल है वो टंकी को भरने वाले, तो 2 नल कितना काम करेंगे 9, और तीसरा क्या करेगा भाई 5 खाली करेगा, क्या करेगा 5 खाली। तो अब हमने यहां से देखा कि भाई ए 1 मिनट में कितना कार्य करता है 6, बी 1 मिनट में कितना कार्य करता है 3, और सी 1 मिनट में कितना कार्य मतलब कितनी टंकी को खाली करता है 5, तो कितनी मिनट हो गई 3, और 3 मिनट में कितने यूनिट काम हुआ भाई, इनमें से इसे घटा देंगे क्योंकि ए और बी तो टंकी को भर रहे हैं लेकिन सी जो है वो क्या कर रहा है खाली कर रहा है, ये 9 काम करते हैं वो 5 काम खाली कर देता है टंकी को 5 यूनिट, तो कितना काम हुआ 3 मिनट में केवल 4 यूनिट कार्य हुआ। अब हमें ये देखना है कि यहां पे कितना दिया हुआ है 60, तो 60 में से पहले तो ये निकालना है, अगर बारी बारी से नल टंकी को भरते हैं तो हमें यह निकालना है कि भाई जो पहले काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 1 मिनट में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो लास्ट के 1 मिनट में ये कर जाएगा, तो जैसे ही निकालेंगे तो बच्चा कितना अच्छा। अब हमने देखा कि भाई 4 से 54 पूरी तरह डिवाइड है भाई, यहां पे 3 मिनट में कितना काम 4 काम, तो हमारे पास कितना काम कराना है 54, जब 54 कार्य हमें कराना है तो 54 तो 4 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 4 से डिवाइड कौन सा है 54 के नजदीकी भाई 52, तो 4 से 52 कितनी बार डिवाइड होगा 13, ठीक, तो 3 मिनट में 4, तो 4 का 52 कितना गुना है 13, तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा 39, तो 39 मिनट में कितना कार्य हुआ 52, लेकिन कार्य हमें कितना कराना है टोटल 60, तो अभी कार्य कितना बचा 2 कार्य तो यहां से बचा और 6 कार्य ये बचा, तो कार्य कितना बचा 8, जब 8 कार्य बचा और ए 1 मिनट में कितना कार्य करेगा भाई 6 कार्य करेगा भाई 6 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन हमारे पास कितना है अभी 8 यूनिट, तो ए जो है 1 मिनट में कितना काम कर देगा 6, तो इसने 1 मिनट और लिया और 6 काम किया, मिनट कितनी हो गई 40,
40 मिनट में कितना कार्य हो पाया भाई, लेकिन कार्य हमें कितना करवाना था, तो ए ने तो कार्य कर लिया, अब कार्य करने कौन आएगा, तो बी एक मिनट में कितना कार्य करता है, 3, लेकिन हमारे पास जो कार्य बचा वो कितना बचा, 2 ही तो बचा, तो दो कार्य को ये 3 की क्षमता से करेगा, तो 2/3 भाई टोटल कार्य ये हो गया नहीं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 40 सही 2/3। तो इस पूरे कार्य को होने में या टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, 40 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, खाली टंकी में ये पाइप क्रमशः 8 बजे 9 बजे तथा 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने बजे खाली हो? तीन पाइप है, एबीसी मान लेते हैं, ए बी और सी, पहले 2 पाइप है, टंकी को कितने घंटे में, 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते, लेकिन तीसरा पाइप सी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 4 घंटे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 15, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4, 12 से डिवाइड करेंगे 5 और 4 से डिवाइड करेंगे माइनस, लेकिन ए और बी कितना काम करते हैं भाई, कितना यूनिट, 9 यूनिट, लेकिन अकेला सी कितना यूनिट खाली कर देता है, 15, तो खाली करने वाले की क्षमता बढ़ने वाले से क्या है, जाता है, तो क्या होगा, टंकी खाली। अब लेकिन इसने कहा है कि 8 बजे 9 बजे और 11 बजे टंकियों को खोला जाता, मतलब नलों को खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली, जब टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, और यहां पे हमने दिया हुआ है कि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज्यादा, और खाली करने वाला जो पाइप है वो कितने बजे खोला गया, 11 बजे, तो ए और बी जो पाइप है वो 11 बजे से पहले जितना काम करेंगे उस काम को सी खाली करेगा, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, तो 8 से 11 बजे तक पहला पाइप कितने घंटे काम करेगा भाई, 3 घंटे, और 1 घंटे में कितना काम करता है, 4, 3 घंटे में कितना काम हुआ, 12, दूसरा पाइप भाई 9 से 11 बजे तक कितना काम करेगा, 2, 1 घंटे में कितना काम करता है, 5, तो 2 घंटे में कितना काम किया, 10, तो इन्होंने काम कितना किया, 22, 11 बजे तक इन्होंने कितना काम किया, 22 का। अब तीनों पाइपों की अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं अभी, तो हमें देखा कि भाई यहाँ पे खाली करने वाले की क्षमता 15 और भरने वाले की क्षमता, तो खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, तो इन्होंने जो काम किया है 22, जो सी पाइप है इस 22 काम को ही क्या करेगा, 22 यूनिट जो टंकी की धारिता है उसे क्या करेगा, ये खाली, ओके, कितने की एफिशिएंसी से, 15 में से 9 माइनस कर देंगे, 6 की एफिशिएंसी से काट, तो इसे काट लेंगे भाई 2 से ये कितनी बार, 11 बार, और 2 से ये कितनी बार, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सही 2/3 घंटे, और इनका मिनट बनाएंगे तो गुणा कितना कर लें, 60, तो 3 से 60 कितनी बार, 20 गुणा 2 40, तो 3 घंटे 40 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी, लेकिन लास्ट का खाली करने वाला पाइप कब खोला गया था, 11, तो 11 में इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 घंटे 40 मिनट, जैसे ही 3 घंटे 40 मिनट को इसमें ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2:40 पर टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये आपको खुद ही करना है, इससे अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे, इससे अगले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं,
तथा इन नलों को सुबह 7 बजे 10 बजे तथा 11 बजे खोला जाता है, तो बताइए टंकी कितने बजे पानी से भर जाएगी। अब तीनों नल क्या है, भरने वाले। ए बी और सी। 12, 15, 20। 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी है 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार। तो इन जो नल हैं इनको कितने कितने बजे खोला जाता है, 7 बजे 10 बजे और 11 बजे। तो पहले पाइप ने कितना काम किया होगा भाई, चार घंटे कार्य किया होगा, 7 से 11 बजे तक कितने घंटे हुए, 4। तो 1 घंटे में कितना कार्य करता है, तो कितना करेगा, 20 कार्य ही करेगा। जो दूसरा पाइप है वो 10 से 11 बजे तक कितना कार्य करेगा भाई, 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 4। तो कार्य कितना हुआ, 24। तो 24 कार्य कर लिया भाई। तीसरे पाइप खोलने से पहले ही ए और बी ने कितना काम कर लिया, 24 का। लेकिन कार्य कितना करवाना है भाई, टोटल 60 ही। तो 60 में से हम 24 माइनस कर देंगे, जैसे ही 24 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 36। अब ये जो 36 यूनिट है ये कार्य कराना है, लेकिन तीनों पाइप क्या है, भरने वाले। तो अब तीनों पाइप एक ही साथ तो काम करेंगे, जब एक साथ काम करेंगे तो तीनों की क्षमता क्या कर लेंगे, एड। जैसे एड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितना, 3 घंटे। तो लास्ट का पाइप जो है 11 से 11 बजे जब खोला गया था तो 11 बजे से तीनों ने ही काम किया, और जो शेष कार्य बचा वो 3 घंटे में उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहने का मतलब टंकी को 3 घंटे में भर दिया। जब 3 घंटे में और भर दिया तो टंकी पूरी भर गई, तो 11 बजे में 3 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना, 2 बजे। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी भाई, 2 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टंकी की तली में एक छेद होने के कारण भरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है, टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में बने छिद्र के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है, टंकी की धारिता ज्ञात करें। फुल टंकी, जैसे ये मान लिया, जैसे यहां पे एक, इसमें एक छिद्र हो जाता है ऐसे, तो भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देता है, 8 घंटे जब टंकी भरी। लेकिन इसमें क्या है कि एक भरने वाला पाइप भी खोल दिया जाता है, जब इसमें भरने वाला पाइप खोल दिया जाता है, एक भरने वाला पाइप, तो इसे खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। पहले कितने घंटे लग रहे थे, 8 घंटे, लेकिन अब कितने घंटे लग रहे हैं, 12। और ये जो पाइप, भरने वाला पाइप है, ये 4 लीटर प्रति मिनट कार्य करता है, 1 मिनट में कितने, 4 लीटर। तो 4 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो हमने देखा कि भाई खाली वाले, जो खाली करने वाला एक छिद्र है उसे ए नाम दे, क्या देते, वो भरी हुई टंकी को कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली। लेकिन उसमें एक भरने वाला पाइप भी खोल दिया था, ये तो खाली करने वाला है भाई, खाली, लेकिन इसमें एक भरने वाला पाइप भी, और भरने वाला जो पाइप है वो कितने, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी। तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है, कितने घंटे का, 12। तो हमें यहां से पता चला कि भाई जब खाली करने वाला और भरने वाला पाइप, दोनों पाइप खोल दिए गए,
तो टंकी 12 घंटे में क्या हो गई, खाली। तो खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो 8 और 12 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना, 3। अब इसे डिवाइड करेंगे इनसे, जैसे ही डिवाइड करेंगे खाली कर रहा है, लेकिन पहले तो 3 खाली कर रहा था, अब कितना। तो इसने क्या किया होगा कि भाई जब वो पहले 3 की क्षमता से खाली कर रहा था, अब 2 की क्षमता यहां से निकल के आई, तो हमें पता चला कि भाई जब खाली हो रही है टंकी, क्या हो रही है, खाली, तो खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज्यादा। तो इसमें से ऐसा मतलब माइनस के 30 में से कौन सी संख्या घटाई होगी कि माइनस का 2 आ जाए। तो हमें पता है कि खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, लेकिन यहां पे कितने निकल के आई, तो कितने निकल के आई, तो भरने वाले की जो क्षमता रही होगी वो कितनी रही होगी, 1। भाई खाली करने वाले की कितनी है, 3, और यहां पे कितना निकल के आया, 2। जब भरने वाला पाइप भी खोल दिया जाता है, खाली करने वाला छत्र भी खोल दिया जाता है, तो यहां पे जो क्षमता निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2। लेकिन पहले क्षमता कितनी थी, 3। तो क्षमता तो उसकी 3 ही रहनी है, लेकिन भरने वाले की पूर्ति करने के बाद उसने कितना खाली किया, 2 खाली किया। तो भरने वाले की क्षमता कितनी रही, 1। तो जब भरने वाले की क्षमता 1 रही और काम कितना करना है, 24, तो 24/1। तो उसे भरने में कितना समय लगेगा, टोटल भरने में 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे उसने कहा है कि 1 मिनट में कितने लीटर, 1 मिनट में 4। तो पहले तो हम घंटे का क्या बनाएंगे, मिनट। जैसे ही मिनट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 24 गुणा 60, ये मिनट हो गए। 1 मिनट में कितना, 4, तो 24 गुणा 60 मिनट में कितना, 4 का गुणा और कर देंगे। जैसे ही 4 का गुणा करेंगे ये कितना हो गया, 24, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना, 24। 24 गुणा 24 भाई, 24 का वर्ग कितना होता है, 576। एक जीरो ही तो रखनी है। तो उस टंकी की जो टोटल धारिता थी वो कितने लीटर थी, 5760। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 28वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे अगला वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक हौज में 2 नल ए तथा बी लगे हुए हैं। नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल बी भरे हुए हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 120 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाता है, तो हौज की क्षमता बताए। अकेला बी कितने समय में, 40 घंटे में क्या करता है, खाली। लेकिन दो नल ए और बी, भाई बी कैसा है, खाली। जब दोनों खोल दिए जाते हैं तो 120 मिनट में क्या हो जाता है, भर जाता है। तो हमें पता चला, और भरने वाला जब टंकी भरी जा रही है तो भरने वाले की क्षमता ज्यादा रही होगी। तो हम यहां से जैसे ही एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकल के आएगा कितना, भाई 40 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 40 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 120 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, हमने देखा कि यहां पे जो क्षमता निकल के आई खाली करने वाले की वो कितनी है, और भरने वाले की ही क्षमता तो निकल के आई है यहां से। भाई जब 120 मिनट में भर रहा तो भरने वाले की क्षमता ही तो निकल के आई है यहां से। जब ये भरने वाले की क्षमता निकल के आई प्लस में, तो इसने क्या किया हुआ कि भाई जब दोनों ही नल एक साथ खोले गए तो भरने वाले की क्षमता ज्यादा रही होगी, तो भरने वाले की क्षमता में से 3 माइनस हुआ होगा तब 1 आया होगा, ठीक। तो यहां पे हमने देखा कि भाई खाली करने वाले की क्षमता कितनी आती है, तो भरने वाले की क्षमता ज्यादा रही होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 आया, तो कितना रहा होगा भाई, 4। 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे, भाई 4 भरने वाला है, 3 खाली भरने वाला है, तो 1 ही तो भरा जाएगा,
तो भरने वाले की यहां से क्षमता जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, चार क्षमता निकल के। लेकिन उसने कहा है कि एक 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, तो 120 टोटल का रहे हैं यहां पर, ये कितने मिनट में, यहां पे चार घंटे निकल के, क्योंकि ये 40 और 120 क्या दिए हैं, घंटे। तो इसे भरने में कितना समय लगेगा भाई, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितने 30 घंटे। लेकिन जो भरने वाला पाइप ए है वो 1 मिनट में 4 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना 5 लीटर, 1 मिनट में कितना 5 लीटर। जब 1 मिनट में 5 लीटर है तो यहां पे 30 घंटे निकल के, जब 30 घंटे निकल के आए तो सबसे पहले 30 घंटे का क्या बनाएंगे हम, मिनट। जैसे मिनट बनाएंगे तो कितने का गुणा कर लेंगे, 60 का, तो ये मिनट हो गए। तो 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 5 लीटर, तो 1800 मिनट हो जाएंगे। तो 1800 मिनट में कितना भाई, 1800 गुणा 5, जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 लीटर। तो इस टंकी की जो धारता थी, जो टंकी में पानी आ सकता था टोटल, वो कितना था, 9000। अगले दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार के, उसमें से अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, और जो लास्ट का क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है। दिया हुआ है दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो 1 घंटे में हौज भर जाए, तो हौज की धारता क्या। ए और बी, तीस मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, 30 मिनट और 40। लेकिन उसने कहा है कि ए प्लस बी तो भरने वाले, लेकिन एक और पाइप है सी, वो क्या करेगा, वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। लेकिन जब खाली करने वाला तीनों, जब ये पाइप एक साथ या तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तब भी जो हौज है वो कितने घंटे में, 1 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे का मतलब 60। तो यहां से हमें पता चला कि भाई जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और हौज फिर भी 60 मिनट में भर जाता है, तो भरने वालों की क्षमता क्या रही होगी, खाली करने वाले से ज्यादा रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा 120। 30 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 40 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और इससे डिवाइड करेंगे 3 बार। अब हमें यहां से पता चला कि भाई भरने वाले दोनों पाइपों की जो क्षमता है वो कितनी है, 7। कितनी है, 7। जब भरने वाले दोनों पाइपों की क्षमता कितनी है, 7। अब यहां पे आया प्लस का, भाई जब भर सकता है 1 घंटे में तो यहां पे क्या निकल के आई, भरने वाले की क्षमता, लेकिन यहां तो 7 थी, ए और बी की क्षमता कितनी थी, 7। तो भाई खाली करने वाले की क्षमता कितनी रही होगी, 5। जब ये मतलब 1 घंटे में 7 कार्य करते हैं और सी 5 कार्य खाली करता है, तो 2 ही तो भरा गया, अरे हाँ यार। लेकिन उसने कहा है कि जो खाली करने वाला पाइप सी है वो 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 120 बटे खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, यहां पर 50 लीटर क्या करता है भाई, पानी बाहर निकालता है, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 10 का जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये तो नहीं, सर गुणा 60 नहीं किया है भाई, ये मिनट दिया हुआ है, क्या है मिनट, और सी जो खाली करता है वो 50 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो हमें 7 का गुणा करने की जरूरत ही नहीं, 7 का गुणा कब करते, जब यहां पे घंटे दिया। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसे आपको खुद ही करके देखना है, ठीक।